ये तस्वीरें समय करनाल के करण स्टेडियम की देख सकते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल के अपने दौरे पर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करने पहुंचे हैं। करीबन 42 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा करनाल के करण स्टेडियम से। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, कल से मुख्यमंत्री करनाल में है। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास करते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। खेल मंत्री संदीप सिंह भी साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लोक निर्माण विभाग व कई सड़कों का उद्घाटन व शिलान्यास करते हुए करनाल के करण स्टेडियम में मौजूद हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। खेल मंत्री संदीप सिंह व करनाल से स्थानीय नेता भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें करनाल के करण स्टेडियम से आप देख सकते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री मधुबन में स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी में भी जाएंगे, जहां पर पासिंग आउट परेड में शिरकत करेंगे। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार 8 से 9 विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास करते हुए करीबन 42 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात करनाल के लोगों को देते हुए, और इसके बाद जो खिलाड़ी व विद्यार्थी जिन्होंने टॉप किया अपने जिले में, उनको भी जो है मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। इस समय आप ये तस्वीरें करनाल के करण स्टेडियम से देख सकते हैं, जहां पर खेल मंत्री संदीप सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें करनाल के करण स्टेडियम से, जहां पर कई कार्यक्रमों का उद्घाटन व शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। खेल स्टेडियम के अंदर माननीय खेल एवं युवा मामले के मंत्री राज्य मंत्री भी मौजूद हैं। खेल सुविधा केंद्र का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री करनाल में करण स्टेडियम में मौजूद हैं। देख सकते हैं करनाल के करण स्टेडियम में पहुंचे थे, खिलाड़ियों को काफ़ी सौगातें दी हैं और काफ़ी मांगे भी जो हैं खिलाड़ियों की मांगी गई हैं। और इस समय आप करनाल का जो नया स्टेडियम एक बनाया गया था करोड़ों रुपये की लागत से, उसको देखने पहुँचे हैं खेल मंत्री संदीप सिंह के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और हॉकी के ग्राउंड को लेकर भी हमने उनसे बातचीत की, उनका कहना था कि उसको भी जल्द से जल्द बनवाया जाएगा। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, स्विमिंग पूल हो, बॉक्सिंग ग्राउंड के लिए करीबन 1 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है, और भी कई खेलों के लिए कई सौगात देते हुए मुख्यमंत्री। आप देख सकते हैं कि खिलाड़ियों को काफ़ी तोहफा देता हुए मुख्यमंत्री, और हॉकी के लिए भी ऐसा टफ ग्राउंड बनाया जाएगा, उसके लिए भी जगह ढूंढी जाएगी। तो ये तस्वीरें समय आप देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करें। करनाल के करण स्टेडियम में पहुंचे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, लाइव तस्वीरें देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल के करण स्टेडियम से ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। सर आज के आज का बता दीजिए सर, 42 करोड़ विकास कार्य का उद्घाटन और शिलान्यास किया, क्या कहना है? कि यहाँ जो खेल सुविधा केंद्र का ये जो उद्घाटन किया गया है, और इसके साथ ही और 9 प्रोजेक्ट्स, कुल मिला के 10 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास उद्घाटन, कुल 43 करोड़ रुपए की लागत के ये बनाए गए हैं। और यहाँ पिछले कुछ समय से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर से, यहाँ के खिलाड़ियों की ओर से एक मांग थी कि यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट्स बढ़ाए जाए। अभी तक केवल 2 बैडमिंटन कोर्ट हैं, आज हमने निर्णय किया है कि इसके साथ 4 बैडमिंटन कोर्ट और
कुल मिला के 6 बैडमिंटन कोर्ट हो जाएंगे और एक बॉक्सिंग हॉल, इसकी भी आज जो है बता दिया गया, मंजूरी दे दी गई है, वो भी जल्दी से बन जाएगा। और एक जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ कि आज हम लोग, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह जी और मैं, हम दोनों केंद्रीय स्पोर्ट मिनिस्टर हमारे किरण रिजिजू उनको मिल रहे हैं। और मैं समझता हूँ हरियाणा में खेलों को कैसे विस्तार दिया जाए, हमारे पास एक योजना प्लानिंग है, उनके पास यानी रखेंगे उनके साथ, और फिर उसमें से क्या कुछ तय होगा। करनाल में हॉकी के खिलाड़ियों की भी मांग है कि एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड जो है मिलना चाहिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो डिमांड तो हमारे पास भी आई है, अब जैसे आज दो चीज़ें की हैं, आगे धीरे धीरे। सर आपने स्पोर्ट्स हब बनाने की बात की अभी हरियाणा को, तो उसके लिए क्या योजना? देखिए वो तो पहले से हरियाणा देश भर में एक अपना अच्छा अव्वल स्थान रखता है, लेकिन बहुत जगह पर इंटरनेशनल लेवल की कुछ पैरामीटर्स हैं खेलों के, उनको एक एक करके हम लागू करेंगे। और कुछ जो राष्ट्रीय स्तर के खेल होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल होते हैं, उनकी भूमिका में हरियाणा कैसे आगे आए, इसके लिए आज हम शाम को बात करने वाले हैं। तो उसमें से कुछ योजनाएं केंद्र की ओर से भी हमको कुछ सहायता मिलेगी और हम भी आगे बढ़ेंगे। तो हर परंपरागत खेल के लिए हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी में आगे बढ़ें। सर ओम प्रकाश धनखड़ नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है नए व्यक्ति बदलने से कुछ नहीं होता है। हमारे ओम प्रकाश धनखड बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और चित करेंगे। तो आप देख सकते हैं टॉपर्स आए छात्रों को, छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री सम्मानित करते हुए, छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाते हुए जो हाल ही में नतीजे आए हैं, शिक्षा विभाग करनाल की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसकी तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं। करनाल जिले में आए टॉपर स्टूडेंट्स को और जिला शिक्षा अधिकारी को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिसकी लाइव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं।
उसके बाद कैनाल कनेक्ट हो गए। अगर शहर से बाहर जैसे सभी डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है एक नया स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मिल जाए और उसमें क्रिकेट का स्टेडियम के ग्राउंड में होटल ग्राउंड में चलाना पड़ रहा है, अगर एक बड़ा स्टेडियम आप लोग यहाँ पे अलॉट कर दें तो हम कनाल के खिलाड़ियों के लिए और कोशिश से कि जो खिलाड़ियों के साथ लगातार काम कर रहे हैं उनको बहुत सपोर्ट मिलता है। जी हमारे महापौर श्री रेणुका जी, हमारे जिलाध्यक्ष भाई चौहान जी, मैं आप सभी का स्टेडियम में पहुंचने पर आपकी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। हरियाणा के हमारे खेल राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, हमारे नियम प्रधान गुप्ता जी, आनंद जी, युवराज जी, सभी खेल विभाग से जुड़े सभी साथी और सभी पिछले बैठकों में जितने दो प्रकार के बात की आज इनको प्रशस्ति पत्र दिया गया है, ऐसे मेरे विद्यार्थियों को आज का दिन खेल जो खेल से जुड़े हुए लोगों ने अच्छा संकल्प लेकर के आगे बढ़ने के लिए मन बनाया
और